हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पाथ वेक्टर राउटिंग और हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का राउटिंग प्रोटोकॉल का टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है पाथ वेक्टर राउटिंग। अब तक हमने जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखे, जैसे डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग, बोथ आर इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स। मतलब एक ही डोमेन के अंदर वो राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के काम में आते थे। बट जब हम बात करते हैं कि इंटर डोमेन या फिर इंटर ऑटोनोमस सिस्टम, तो हम बात करते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग की। तो जैसे कि इससे पता लगता है कि अगर इंटर डोमेन यूज़ हो रहा है, देन इट इज़ एन एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल प्रूफ टू बी यूजफुल फॉर इंटर डोमेन और इंटर एएस राउटिंग। इसका मतलब ये एक एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम इंटर डोमेन और इंटर एएस राउटिंग के लिए करते हैं। Now in this routing, a router has a list of networks that can be reached with the path to reach each one. That means इस routing में एक router के पास एक path होता है, एक route होता है जिसकी मदद से वो बाकी सब networks के router तक पहुँच सकता है। Now as the name suggests, it tells us the path. ये हमें path बताता है, पूरा exact path कि आपको किस किस राउटर से किस किस नेटवर्क से होके जाना पड़ेगा। अब एक बार देखते हैं कि इसमें जो रीचेबिलिटी है उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम को या एक राउटर को हम बोलते हैं स्पीकर नोड। नाउ स्पीकर नोड इन एन ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएट्स ए राउटिंग टेबल एंड एडवर्टाइज इट टू द स्पीकर नोड्स इन द नेबरिंग एएस। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीकर नोड होगा वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। सो द आइडिया इज सेम एज द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक्सेप्ट दैट ओनली स्पीकर नोड इन ईच ऑटोनोमस सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन बी शोन इन एन डायग्राम। तो कुछ हम ऑटोनोमस सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ पे कुछ नोड्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल A1 नोड है, A2 नोड है, A3 नोड है। ऐसे ही हमारे पास कुछ यहाँ पे नोड्स हो सकती हैं। देन वी हैव दिस ऑटोनोमस सिस्टम 2, यहाँ पे भी कुछ नोड्स हो सकते हैं, जैसे B1, B2, B3। And let's say we have one more autonomous system, AS3, और यहाँ पर भी कुछ nodes हैं, जैसे C1, C2, C3 and C4। तो ये हो गया autonomous system 1, ये हो गया autonomous system 2 और ये हो गया autonomous system 3। अब हमने कहा कि ये inter domain है, inter autonomous system है। That means एक ऑटोनोमस सिस्टम का एक स्पीकर नोड दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम की दूसरी स्पीकर नोड से कम्युनिकेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें कम्युनिकेशन के लिए जो नोड है वो है A4। A4 इज़ द स्पीकर नोड हेयर। सिमिलरली B4 इज़ द स्पीकर नोड हेयर एंड हेयर द स्पीकर नोड इज C1। ठीक है, सो वी हैव 3 स्पीकर नोड्स, A4, B4 एंड C1। तो ये हमारे पास स्पीकर नोड्स हैं। अब हमें क्या शो करना है कि ये स्पीकर नोड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो एक लिंक होगा इन स्पीकर नोड्स के बीच में, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट एंड दे कैन एक्सचेंज देयर राउटिंग टेबल्स विद ईच अदर। तो मैं इनको कह देता हूँ दे आर द स्पीकर नोड्स। तो ये स्पीकर नोड्स हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। अब हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर स्पीकर नोड क्या करता है, वो राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। तो अगर मैं आपको एक राउटिंग टेबल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल राउटिंग टेबल ऑफ A1 एंड दे आर ऑल लिंक विद द स्पीकर नोड।
तो जैसे अगर हम एक राउटिंग टेबल देखते हैं स्पीकर नोड A4 की, सो राउटिंग टेबल ऑफ A4, ऐसी ही राउटिंग टेबल बाकी सबकी भी बन सकती है। तो एक होगा डेस्टिनेशन और एक होगा पाथ। तो सिंपल है, अगर डेस्टिनेशन है A1 तो पाथ क्या है AS1, दैट इज दिस ऑटोनोमस सिस्टम। ऐसी डेस्टिनेशन इज A2, पाथ इज AS1, डेस्टिनेशन इज A3, पाथ इज AS1, डेस्टिनेशन इज A4, पाथ इज AS1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये राउटिंग टेबल बन गई कि अगर आपको A1 नोड तक जाना है तो आपको ऑटोनोमस सिस्टम 1 से जाना पड़ेगा। अब C1 के पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ C4 वांट्स टू ट्रांसमिट सम पैकेट टू A2, तो वो क्या करेगा, वो C1 के पास जाएगा कि मुझे A2 तक पैकेट भेजने हैं। और C1 को पता है कि जो A2 है वो किस पाथ से जाएगा, AS1 से। तो वो इसके राउटर AS1 के स्पीकर नोड से कॉन्टैक्ट करेगा एंड पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा। सो दिस इज हाउ द रीचेबिलिटी इज शोन इन पाथ वेक्टर राउटिंग। नाउ लेट अस सी द राउटिंग टेबल्स इन पाथ वेक्टर राउटिंग। सो अ पाथ वेक्टर राउटिंग टेबल, अ पाथ वेक्टर राउटिंग टेबल फॉर ईच राउटर कैन बी क्रिएटेड इफ ऑटोनोमस सिस्टम शेयर देयर रीचेबिलिटी लिस्ट विद ईच अदर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हर अगर ऑटोनोमस सिस्टम अपनी रीचेबिलिटी को दूसरे से शेयर करेगा टेबल की फॉर्म में, तो सिंपल एक राउटिंग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर शेयरिंग A4 की जो टेबल है वो कैसे बनेगी, कि सपोज इसने भी इसको शेयर कर दिया और इसने भी इसको शेयर कर दिया, तो देखो टेबल कैसे क्रिएट होगी इसकी। सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन, एंड देन पाथ। तो डेस्टिनेशन है सपोज A1, तो सिंपल है डेस्टिनेशन अगर A1 है तो पाथ क्या है AS1, ऑटोनोमस सिस्टम 1। ऐसी अप टू डेस्टिनेशन A4 पाथ इज AS1। अब उसके बाद आते हैं हम, अगर डेस्टिनेशन है B1, तो देखो B1 तक जाने के लिए पाथ क्या है। B1 तक जाने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी बना रहे हम इसके लिए। तो देखिए ये क्या कहेगा, पहले AS1 के पास आओ मेरे पास, देन इसके बाद आपको जाना है AS2, ठीक है। ऐसे ही अप टू B3 ये वाला एक पाथ क्रिएट हो जाएगा AS1 से AS2। देन हम आते हैं C1 के पास या फिर C2 के पास, तो C2 के लिए पाथ क्या होगा, AS1 देन AS3। और बाकी सबके लिए भी ऐसे ही क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप सिंपल एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हो अगर हर ऑटोनोमस सिस्टम अपनी रीचेबिलिटी लिस्ट को शेयर करता है बाकी सब ऑटोनोमस सिस्टम से। सो दिस इज हाउ द राउटिंग टेबल इज क्रिएटेड। नाउ लूप प्रिवेंशन। इन दिस व्हेन ए राउटर रिसीव्स रीचेबिलिटी लिस्ट और रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, इट चेक्स टू सी इफ इट्स AS इज इन द पाथ लिस्ट टू एनी डेस्टिनेशन। इफ इट इज लूपिंग इज इन्वॉल्व देन द नेटवर्क पाथ पेयर इज डिस्कार्डेड। तो देखो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर एक लूप क्रिएट हो जाता है तो उसमें हम नेटवर्क को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लूप प्रिवेंशन इज डन। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पाथ वेक्टर राउटिंग। In the next video, we will see about border gateway protocol, which is based on this path vector routing. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.